अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप ट्रेंडी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तमाम तलबा और तलबात के लिए बोर्ड की जानिब से न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। और बहुत सारे तलबा और तलबात के सवालात हैं कि क्या तालीमी इदारे 2 दिसंबर से बंद हो जाएंगे, क्या स्टूडेंट्स से स्पेशल एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ें क्लैरिफाई करने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आपके तमाम सवालात के जवाबात। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जैसे कि बहुत सारे तलबा और तलबात ये सवाल कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे तो क्या उनके पुराने नंबर लग जाएंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स के नंबर आएंगे उनके वही नंबर कंसीडर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं और जिन्होंने अपना पुराना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाया, तो वो तमाम स्टूडेंट्स के अगर स्पेशल एग्ज़ाम में अल्लाह ना करे मार्क्स कम आते हैं तो उनके पुराने मार्क्स लग जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाया है अभी और उसके बाद वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली स्टूडेंट्स, जो भी आपका स्पेशल एग्ज़ाम में नंबर आएंगे वो आपके न्यू नंबर लग जाएंगे। इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करते चलें कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर की जानिब से 9th और 11th के स्पेशल एग्ज़ाम की डेट शीट जारी हो चुकी है, जो कि स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। 13 दिसंबर 2021 से इम्तिहानात स्टार्ट किए जाएंगे, और इसी तरह से फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्क्रीन पर भी देखा कि 9th और 11th की भी डेट शीट जारी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि क्या तलीमी इदारे वाकई बंद हो रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो सिर्फ स्मोक की वजह से मंडे की छुट्टी स्टूडेंट्स को दी गई है, यानी पहले सैटरडे और संडे ऑफ था, इसके साथ साथ अब मंडे भी ऑफ कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह से नया वायरस जनरेट हुआ है और नया वायरस आया है, इसकी वजह से बहुत सारे न्यू केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स, हो सकता है, चांस है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, और इसके साथ साथ जो भी स्पेशल एग्ज़ाम लिए जा रहे थे या लेने थे स्टूडेंट्स, वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी इसके बारे में आज या कल मीटिंग होगी, जिसमें इन तमाम चीज़ों का फैसला किया जाएगा और फाइनल नोटिफिकेशन आएगा कि हुकूमत इसके बारे में क्या फैसला करेगी, शफकत महमूद साहब बच्चों के लिए क्या बड़ा फैसला करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह न्यू मीटिंग जब भी होगी हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको अप टू डेट करें कि किन को छुट्टियाँ दी जाएंगी, किन को नहीं, क्या जिस तरह से एक दिन स्कूल बुलाया जाता था और एक दिन नहीं, इस तरह से स्केड्यूल किया जाएगा या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये वायरस जल्द से जल्द, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये वायरस ख़त्म हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी जारी कर सकें। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे सवालात का जवाब आपको मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे।